जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मंड नाशिनी, श्री वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरिताप हारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। आजकल हम देख रहे हैं कि शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है। मनुष्य चाह रहा है कि उसके लड़के लड़की बेटे बेटी का विवाह जल्दी हो जाए, परंतु विवाह नहीं होता है। विवाह में भयंकर रुकावटें उत्पन्न होती है, क्योंकि आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो विवाह योग्य हो गए, वो सब बच्चे कालसर्प दोष से युक्त पाए गए हैं। अधिकांशतः बच्चों की जिंदगी में कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष, प्रेत दोष, इसकी वजह से विवाह देरी से होता है और यह सब दोष पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। व्यक्ति तो चाहता है कि उसका जल्दी विवाह हो जाए, जल्दी उसका बिजनेस धंधा पानी लगने लग जाए, सर्विस लग जाए, जल्दी बच्चे पैदा कर दे, परंतु विवाह समय पर नहीं होता है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ बहुत सारे उपाय बताने जा रहा हूं जिसके करने से विवाह में आने वाली रुकावटें अड़चनें दूर होती है। यदि किसी अन्य कारण से विवाह नहीं हो पाता, अन्य कारण का मतलब तंत्र मंत्र काला जादू ऊपरी बाधा, इसकी वजह से विवाह नहीं हो पाता है, तो आप इन उपायों को करके शायद ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो जाए। परंतु आज के जमाने के बच्चों के ऊपर ऊपरी बाधा भी बहुत लगती है, तंत्र बाधा ज्यादा लगती है, काला जादू ज्यादा लगता है, क्योंकि इस तंत्र विद्या का दुरुपयोग होने लगा है। किसी व्यक्ति को कोई लड़की पसंद आ गई, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, तो एक दूसरे के ऊपर उसने काला जादू करवाना चालू कर दिया। जब बार बार हम इस ब्लैक मैजिक को करते हैं, तो धीरे धीरे उसके ऊपर वो पूर्णतः काला जादू आगोश में ले लेता है और उसका विवाह रुक जाता है। और दूसरी बात है, आजकल के जमाने के लड़के लड़कियां अपने शरीर को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र नहीं रखते, इसकी वजह से भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लग जाता है। एक तो शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र होना चाहिए शरीर। जैसे कि पुराने जमाने में कहा जाता था कि रक्षा सूत्र जो गले में पहना जाता था, हाथ में बांधा जाता था, आजकल वो लड़के लड़कियों ने गले में रक्षा सूत्र पहनना बंद कर दिया। कच्चा सूता, लाल धागा जिसको कलावा कहा जाता है, वो बांध करके रखते थे गले के अंदर, कोई ना कोई लाल धागा या काला धागा बांध करके रखते थे। और पुराने जमाने के नियम के मुताबिक कमर के अंदर जो है काला डोरा बांध करके रखा जाता था, वो रक्षा कवच करने का काम करता था। परंतु आजकल के पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे मनुष्यों ने ये तीनों चीजों को छोड़ दिया। इसकी वजह से भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लगता है और फिर जिंदगी के बहुत सारे अच्छे कर्म को रोक देता है। और यदि विवाह आपका नहीं हो रहा है, तो जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो तो आपको करना ही करना है, परंतु इसके पहले आप अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें, क्योंकि आज के जमाने में आप जन्म पत्रिका पर भी विश्वास नहीं करते हो। जन्म पत्रिका यानी जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख,
इसके अनुसार जो चंद्र का चार्ट बनता है, लग्न का चार्ट बनता है, उसके अनुसार आपको आपका भविष्य लिख करके दिया जाता है। जो कोई भी मनुष्य आप में से यदि ऐसी जन्म पत्रिका बनवाना चाहता हो तो वो हम बना करके आपको दे सकते हैं, उचित दक्षिणा के साथ में, कि पिछले जन्म में आपने कौन से पाप कर्म किए थे, पिछले जन्म में ऐसी कौन सी हाय बद्दुआ लेकर किए, पिछले जन्म में आपने किस किस को परेशान किया है और क्या एक्टिविटी से परेशान किया, वो सब हम लिख करके आपको देंगे, जिसकी वजह से इस जन्म में आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इस जन्म में आप धंधा पानी नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी करने के बावजूद आपको सर्विस नहीं मिल पा रही है, तो यह सब अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। जैसा खेत के अंदर अनाज बोकर के आएंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। भगवान कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, जो तुम करके आए हो मैं उसी का फल देता हूं केवल, बस। हां, इस जन्म में तुम यदि अच्छे कर्म करोगे तो जो खराब फल है, जिसमें मैं ज्यादा कष्ट देने वाला हूं, मैं ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, कम कष्ट कर दूंगा, परंतु अच्छे कर्म करना। तो यदि आपका पिछला जन्म के कर्म के अनुसार कुछ पाप कर्म है तो उन पाप कर्मों का प्रायश्चित करो, भगवान से माफी मांगिए, और उसके लिए विशेष अनुष्ठान करना होता है, तब जाकर के वो पाप कर्मों का प्रायश्चित कर्म होता है, परिहार कर्म होता है। इसीलिए हमारे यहां पे पूजा पद्धति बनाई गई है कि काल सब दोष की पूजा होती है, नाग दोष की पूजा होती है, पितृ दोष की पूजा होती है, अमावस्या दोष की पूजा होती है, तंत्र मंत्र काला जादू हो गया तो उसको काटने की भी पूजा होती है। तो पत्रिका अवश्य चेक करा लें कि पत्रिका में विवाह के योग कब आ रहे हैं, उसके पश्चात आप यह टोटके अवश्य करें। शादी योग्य जो मनुष्य हैं, लड़के लड़की, प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में एक चुटकी हम हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए, और चाहो तो दो चार रेशे केसर के भी डाल करके प्रयोग कर सकते हैं, इससे शीघ्र विवाह होने की संभावना होती है। केवल गुरुवार के दिन आपको हल्दी वाले पानी से स्नान करना है, और यदि शादी में रुकावटें आ रही है तो गुरुवार के दिन गाय को दो आटे के पेठे, अर्थात थोड़ी हल्दी लगा करके थोड़ा गुड़ तथा चने की गीली दाल का भोग लगाएं, इससे आपका शीघ्र विवाह होगा। और अपने बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति रहते हैं, उनका कभी भी अपमान मत करो, यानी इससे पितृ दोष बढ़ जाता है। तो जितने भी घर परिवार के सदस्य हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बड़े व्यक्ति जो भी हो, दादा हो, परदादा हो, नाना हो, नानी हो, मामा हो, इन सबके चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दें। वृद्ध व्यक्तियों का अपनी सामर्थ्य के अनुसार सम्मान करें, उनकी मदद करें, ताकि पितृ दोष कम हो सकता है। और शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को, गुरुवार की शाम को पांच प्रकार की मिठाई के साथ में हरी इलायची का जोड़ा तथा शुद्ध घी से दीपक के साथ जल को अर्पित करना है। यह साथ तीन से पांच गुरुवार अवश्य करें तो आपका विवाह होने की संभावना होती है। मतलब गोधूली बेला के समय पे शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को मतलब गेहूं के आटे की रोटी ले लें, पांच प्रकार की मिठाई ले लें, दो हरी इलायची ले लें, शुद्ध घी का दीपक ले लें, इन सबको नदी में विसर्जन करना है दीपक को प्रज्वलित करके। यदि मांगलिक पत्रिका है
तो किसी लड़की की पत्रिका में यदि मांगलिक पत्रिका है तो मंगल चंडिका का स्त्रोत मंगलवार के दिन पाठ करना चाहिए और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इससे भी आपका विवाह बाधा दूर होती है और विवाह जल्दी होने में मदद मिलती है। यदि किसी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा हो, विशेषकर आयु होने के बाद भी विवाह होने में बाधा आ रही हो, तो शुक्रवार की रात्रि में 8 सूखे छुआरे उबालकर जल के साथ में ही अपने सोने वाले स्थान के सिराने पर रखो तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में उनको विसर्जित कर दो। ऐसा प्रयोग करने से आपका विवाह बहुत जल्दी होता है। ये जितने भी उपाय हम बता रहे हैं ये सब चमत्कारिक उपाय हैं। लड़कियों के लिए ज्यादा उपाय हैं यहां पर। कन्या को यह उपाय करना है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से भगवान शिव के नाम से 7 व्रत का संकल्प लेकर के व्रत आरंभ करना है। श्वेतार्क के वृक्ष के पास जाकर के धूप दीप अर्पित करके जल आचमन कर 8 पत्ते तोड़ करके लाना है। 7 पत्तों का तो पत्तल बनाओ तथा 8वें पर कन्या अपना नाम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करे। व्रत का भोजन 7 पत्तों की पत्तल पर ही करना है तथा व्रत पूर्ण होने के बाद श्वेतार के वृक्ष पुष्प भगवान आशुतोष को अर्पित कर दे। विवाह के बाद कन्या अपने पति के साथ जाकर के 1 श्वेतार के पुष्प की माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित अवश्य कर दे। ये टोटका करने से सुखी जीवन व्यतीत होता है। यदि आप शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित, कुंडली से संबंधित, मांगलिक दोष, काल सब दोष, नाग दोष, प्रेत दोष, पितृ दोष, किसी प्रकार की समस्या से आप परेशान हैं या ग्रसित हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल 9893128047 7649862712। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी पत्रिका चेक करवा सकते हैं या विवाह के बारे में उचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी लड़की की पत्रिका में विष कन्या योग हो या षडाष्टक योग होता है तो भी विवाह में बाधा आती है। तो जिन जिन परिवार में कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा विशेष निवेदन है कि वह अपनी कन्या की पत्रिका अवश्य चेक करवा ले, किसी अनुभवी व्यक्ति से करवाएं ताकि वो आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे सके। प्रश्न पहला ये पूछना है कि क्या काल सब दोष है, क्या नाग दोष है, क्या मंगल दोष है, क्या पितृ दोष है, क्या प्रेत दोष है, क्या षडाष्टक योग है या केमुद्रम योग है। तो इस प्रकार से आपको इन 5 प्रश्नों का जवाब अवश्य लेना है और यदि हो तो उसका उचित विधि विधान से विशेष ग्रह नक्षत्र में आपको पूजा करवाइए। और कोई जरूरी नहीं है कि यह पूजा आप एक बार की पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाएगा। आप किसी भी ब्राह्मण देवता के ऊपर उंगली मत उठाइए कि उनने पूजा कराई तो अधूरी पूजा कराई कि पूरी पूजा करी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको यह पूजा अपने जीवन में कई बार कराना चाहिए क्योंकि बार बार पूजा कराने से भगवान प्रसन्न अवश्य होगा।
और पूजा करने के साथ साथ लड़की के हाथों से पाप कर्म के प्रायश्चित स्वरूप आपको कुछ न कुछ दान अवश्य दिलाना है। आप यदि दान नहीं दोगे तो आपके कष्ट कम नहीं होंगे, क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से सुख मिलता है। आपको नहीं मालूम कि आपके परिवार के सदस्य कौन कौन सा पाप कर्म करके आए और उस पाप कर्म में आप कितने सहभागी थे, इसलिए वो आपके यहां पे उत्पन्न हुए हैं। तो आपको यह इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि कोई भी पूजा पाठ करें उसके बाद में अन्न का दान अवश्य करिए, धातु का दान अवश्य करिए, गो दान भी करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, स्वर्ण का दान करना चाहिए, चांदी का दान करना चाहिए, यानी ग्रहों से संबंधित दान अवश्य करें। यदि मंगल दोष है तो तांबे का दान अवश्य करें। यदि हो सकता है ग्रहण दोष की वजह से विवाह नहीं हो रहा हो तो चंद्र ग्रहण दोष की वजह से नहीं हो पा रहा हो तो चांदी का दान करना चाहिए, और यदि सूर्य ग्रहण की वजह से नहीं हो पा रहा हो तो आपको पीतल या सोने का दान करना चाहिए। तो दान देने से भी विवाह जल्दी होता है। ऐसे तो विवाह में कई प्रकार के दोष होते हैं, और विवाह हर युवक युवती का एक अपना सपना होता है, और कुंडली के कई दोषों की वजह से परेशानी आती है। तो विवाह सभी युवक युवती के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि वह समय पर ना हो विवाह तो लोग चिंता में डूब जाते हैं, और कई कई बार तो विवाह होने में इतना समय लग जाता है कि मनुष्यों की आधी उम्र निकल जाती है, यानी 35 से 40 साल हो जाते हैं तब तक विवाह नहीं होता है। बहुत मुश्किल से बहुत प्रयासों के बाद भी यदि युवक युवती का जीवन में शादी का योग नहीं बन पाता है तो ज्योतिष शास्त्र में इसका कारण ढूंढा जाता है कि शादी क्यों नहीं हो रही है, परंतु आपने बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की वजह से आपने इस ज्योतिष विज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं किया और आपने आधी उम्र गुजार दी। जब आपको पता लगा कि ज्योतिष विज्ञान भी होता है, शायद इससे कुछ बात बन जाए, तो आपके माता पिता को चाहिए कि जब आप विवाह योग्य हो जाए तो तुरंत आपकी जन्म पत्रिका को चेक करवाया जाए कि कोई दोष तो नहीं है, नहीं तो आगे जाकर के विवाह में समस्या उत्पन्न हो जाए। तो ग्रह दोष, कुंडली दोष, वास्तु दोष, इनकी वजह से भी विवाह नहीं होता है। यदि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है परंतु यदि वास्तु दोष वाले मकान के अंदर आप रहते हो तो भी आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि वास्तु का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो इन सबको आपको जानने के बाद ही आपको अपने जीवन से इन दोषों को दूर करना है। ग्रह दोष, जैसे ज्योतिष शास्त्र में मंगल खराब होना, शनि खराब होना, सूर्य खराब होना, राहु खराब होना, केतु, इनको विवाह के विलंब का कारक माना जाता है। तो इन मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, इन पांच ग्रह की पूजा बच्चे को कम उम्र से ही सिखा देना चाहिए, परंतु तब सिखाओगे जब आपको ज्ञान हो कि इस बच्चे का विवाह होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितने मुश्किलों से होगा। तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ व सबसे क्रूर ग्रह स्थित हो तो सप्तमेश व उसके कारक ग्रह बृहस्पति और शुक्र के कमजोर होने से विवाह में बाधा आती है, और जब चंद्र और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो भी विवाह में बाधा आती है, क्योंकि यह चरित्रहीनता को बताता है।
तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव अशुभ नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई बैठा है तो तुरंत उससे संबंधित जप करवा लें। 5.25 लाख जप करा करके दशांश हवन कराना चाहिए और फिर उचित मात्रा में सामर्थ्य के अनुसार वस्त्रों का दान, धातु का दान, अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। यदि सप्तम भाव में यानी पति पत्नी वाला जो स्थान होता है उसमें मंगल और शनि विराजमान हो तो भी शादी में देरी होती है, क्योंकि डबल मांगलिक पत्रिका कहलाती है। मंगल और शनि एक तरीके से यह द्वंद योग बनाता है। मंगल आग होती है और शनि पापी है तो यह एक्सीडेंट कराता है। तो मंगल शनि यदि सप्तम भाव में हो तो भी विलंब होता है, और यदि कुंडली में शनि व सूर्य आपस में संबंध रखते हो, आमने सामने बैठे हो या एक साथ बैठे हो तो भी विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से विवाह नहीं होता है। तो आपको इन सबके दोष का उपाय करना चाहिए, और उपाय के लिए इन सबकी ग्रह शांति करवाएं। शनि, सूर्य, राहु, मंगल, इनकी शांति अवश्य बचपन से ही कराते रहना चाहिए ताकि कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। और घर में यदि वास्तु दोष हो, दक्षिणमुखी मकान में रहते हो तो सोते समय अपने पलंग के नीचे लोहे की वस्तु नहीं रखनी चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यानी लड़का हो या लड़की हो, कोई भी पुराना कबाड़ का सामान भी नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष के अंदर जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर करके सोना चाहिए। तो वास्तु का भी इस विवाह के दोषों में काउंट होता है। ईशान कोण में लड़की को सुलाना चाहिए जल्दी विवाह करना चाहते हो तो। जन्म पत्रिका में यह भी देखा जा सकता है कि किसी भी मनुष्य का विवाह कब होगा, इसके निकालने के भी कुछ नियम निर्धारित हैं। विवाह के समय में द्वितीयेश और सप्तमेश का अंतर चलने पर विवाह बनता है। ऐसे बहुत से कुछ थ्योरियां हैं, कुछ सिद्धांत है कि विवाह कब होगा। इसलिए जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें ताकि आपके जीवन में विवाह कब होगा आपको पता चल सकता है। और भी विवाह के बहुत से टोटके हैं कि अगर बुध और सूर्य अशुभ होने की वजह से विवाह नहीं हो रहा हो तो 5 मूली सिराने रख करके रविवार को मंदिर में दान देना है। यदि लड़के की कुंडली में सप्तम में अशुभ चंद्र हो तो मायके से चावल लेकर पूर्णिमा को खुद और परिवार को खिलाना चाहिए। यदि चंद्र गुरु की शुभ युक्ति हो तो सुनारा मोती धारण कर लेना चाहिए। यदि शनि या मंगल द्वादश में हो और राहु की अशुभ दृष्टि पड़ती हो तो मुकदमे संबंधी परेशानी की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा हो तो अपने वजन का 1/10 भाग कोयला बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। और यदि स्त्री की कुंडली में विधवा योग या तलाक योग हो तो शादी से पहले विष्णु प्रतिमा के साथ में उस लड़की का विवाह करा देना चाहिए। तो ये हो गए विवाह से संबंधित और टोटके। तो आपके यहां पे यदि कोई लड़का या लड़की है, विवाह योग्य होने वाले हैं या हो गए हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप देव राधा ट्रस्ट से अपनी पत्रिका चेक करवा सकते हैं। पत्रिका चेक करने की दक्षिणा है, आपको विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, कौन से पाप कर्मों की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है और उन पाप कर्मों का प्रायश्चित की पूजा भी देवराधा ट्रस्ट के द्वारा कराई जाती है। यदि आप विश्वास रखते हो
धर्म में, कर्म में और देव राधा ट्रस्ट में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। पत्रिका देखने की दक्षिणा अलग है, और ये जो कोई भी दोष होगा उस दोष की परिहार पूजा करने का अलग से कोई शुल्क लगता है। तो विवाह नहीं हो पा रहा हो तो 7 हल्दी की गांठ, 11 नागकेसर पीले वस्त्र में बांधकर माता भगवती के मंदिर में चले जाना है, और माता भगवती के चरण में रखते वक्त पोटली खोलें। यानी आपका यदि कोई बंधन होगा, तांत्रिक बंधन होगा, काला जादू से बंधन होगा विवाह का, तो बंधन खुल जाएगा। और माता भगवती के चरणों में पोटली खोल करके वो सामग्री रख करके 1 हल्दी की गांठ और 3 नाग केसर उसमें से उठा लें, और उसी वस्त्र में बांध करके घर पर लेकर के आना है। जब शादी की बात हो तो हल्दी की रस्म हो तो हल्दी के दिन वह हल्दी प्रयोग करें और शरीर पर अवश्य लगा लें, ताकि तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा विवाह के समय पर नहीं हो पाएगा, इससे आपकी रक्षा होगी। दूसरा प्रयोग भी हम आपको दे देते हैं। पीली दाल, कोई भी दाल हो सकती है, पीली चने की दाल, तुवर की दाल हो सकती है, बनी हुई हो, या पीली मिठाई का दान करें, गरीब या भिखारी को खिला दें। 7 दिन तक आपको यह कार्य अवश्य करना ही करना है। तो हर जगह कोई भी टोटका होगा विवाह से संबंधित, तंत्र मंत्र काला जादू से संबंधित, तो नियम यह बोलता है कि दान अवश्य करना चाहिए। कन्या के विवाह में अवरोध होने पर बहुत से अनुष्ठान भी किए जाते हैं, परंतु कन्या चरित्रहीन नहीं होनी चाहिए, तो यह अनुष्ठान काम करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। हमने बहुत सी जगह देखा है कि माता पिता ने तो शुद्ध स्वच्छ पवित्र मन से उस अनुष्ठान को कराने के लिए प्रयास किया, और अनुष्ठान किया भी गया, परंतु लड़की पहले से ही किसी के साथ में इंगेज थी, लड़की पहले से ही वैवाहिक सुख का भोग कर रही थी, लड़की पहले से ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, तो वह अनुष्ठान काम नहीं किया और आज तक भी विवाह नहीं हुआ। तो कात्यायनी महामाए महायोगिन्य योगिन्यधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये कात्यायनी देवी का मंत्र है। इस मंत्र की 1000 जप करके दशांश हवन करना पड़ता है। अनुष्ठान के अंत में दशांश हवन, तर्पण, मार्जिन, ब्राह्मण भोजन अवश्य करें, और पीला मिष्ठान अवश्य खिलाना चाहिए। तो लड़का या लड़की के विवाह के लिए पीली मिठाई का विशेष तौर से महत्व होता है, आप इसका प्रयोग करें और जीवन में सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। जिनके घर में बेटा विवाह योग्य है लेकिन विवाह का योग नहीं बन रहा है और लगातार विलंब होता जा रहा है, तो वह अपने बेटे से यह उपाय करा सकते हैं। किसी भी महीने के किसी भी मंगलवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। मंगलवार को कोई ऐसा मंदिर हो जहां श्री राम जानकी एक साथ बैठे हुए हो, और वहां पर हनुमान जी का मंदिर भी हो, उस मंदिर में जाएं, थोड़ा सा सिंदूर घी मिला करके भगवान सीताराम जी के चरणों में लगा दें, उसी सिंदूर को श्री हनुमान जी के चरणों में भी लगा दें, और बाद में उसी से अपने मस्तक पर भी तिलक करें। ऐसा लगभग 27 मंगलवार तक करना है। रोजाना करें तो आप अपने भाव को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें, यानी हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या हनुमान बाहुक या हनुमान जी के दूसरे मंत्र, उनको आप जप कर सकते हो। इससे भी निश्चित तौर से विवाह में हो रही रुकावटों का
कोई तांत्रिक बंधन होगा, मांत्रिक बंधन होगा, तो वह बंधन टूट जाता है। तो इस तरीके से विवाह का बंधन भी होता है। कई बार कोख को बांध दिया जाता है, विवाह को बांध दिया जाता है, दहलीज को बांध दिया जाता है। तो पत्रिका में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी विवाह नहीं होता है। तो इन सब बंधन को खोलने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बावजूद भी यदि आपका काम नहीं बनता है तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पे से जो व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिए हैं 7649862712 9893128047 और 7987237885 इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें और अपने विवाह से संबंधित जो भी आपको कष्ट हो, पत्रिका का दोष हो सकता है, पिछले जन्म के पाप कर्मों का दोष हो सकता है, इस जन्म के पाप कर्मों का दोष भी हो सकता है, तो आपका विवाह प्रायश्चित कर्म करने से ठीक हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न है कि अंतरजातीय विवाह करना कितने हद तक धर्म सम्मत है और अंतरजातीय विवाह करने पर कुल के देवी देवता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वे नाराज हो जाते हैं, कि वे क्या देवता बिगड़ जाते हैं, मनुष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत है, अंतरजातीय विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न हमारे सामने कई बार हमारे कुछ शिष्यगण या भक्तगण रखते हैं। आज हम इसके ऊपर भी खुलासा करते हैं, क्योंकि जब बात विवाह की चल रही है तो विवाह के हर बारीक बारीक पॉइंट पर भी ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम बात तो यह है कि विवाह, विवाह की जो आयु है 21 से 23 साल के बीच में विवाह कर लेना चाहिए। अंतरजाति विवाह करना धर्म संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा गया है सामाजिक परिवेश के अनुसार, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के ही अंदर अपना विवाह करना चाहिए। अंतरजाति विवाह करने पर कुल देवी देवता और पितृ देवता नाराज हो जाते हैं, क्योंकि आपने अंतरजाति विवाह करने पर किस कुल में विवाह हुआ यह आपको नहीं मालूम होता है, वह उच्च कुल है या निम्न कुल है। तो हमेशा ध्यान रखें, अंतरजाति विवाह करने पर कुल देवी देवता की नाराजगी मिलती है, पितरों की नाराजगी भी मिलती है, इष्ट देवता की नाराजगी भी मिलती है कई बार, और जिसकी वजह से वंश वृद्धि नहीं होती है। इसलिए अंतरजाति विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि आपने किसी भी वजह से पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से आपके पास में यदि कोई बच्चा उत्पन्न हो भी गया है वंश वृद्धि वाला, तो उस बच्चे के उसके बच्चे के एक पीढ़ी के बाद में वंश का नाश होना निश्चित लिखा हुआ होता है, क्योंकि हम सब जो जीवन जीते हैं या पिछले जन्म के कर्मों का फल के अनुसार जीते हैं। इसलिए आपके यदि भाग्य में लड़का लिखा है तो वंश वृद्धि इस बार तो अवश्य होगी, परंतु इस कर्म की वजह से, पितृ दोष की वजह से और कुल देवी देवता के दोष की वजह से आपके अगले जन्म में उस बच्चे के वंश वृद्धि नहीं होती है। कुल देवी देवता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कुल देवी देवता भी नाराज अवश्य होते हैं, और उनकी नाराजगी का कारण से कई बार जो वंश वृद्धि करने वाला लड़का उत्पन्न हो भी गया तो उसकी जवानी में मौत हो जाती है। इसीलिए अंतरजाति विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ओर के कुल देवी देवता की नाराजगी होती है, ये अदृश्य शक्तियां होती है। और कई जगह देखा गया कि अंतरजाति विवाह करने पर 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी दोनों अलग अलग हो जाते हैं,
यानी विवाह का पूर्ण सुख उनको प्राप्त नहीं होता है, उसके पीछे का कारण भी कुल देवी देवता और पितृ देवता होते हैं, यानी पितृ देवता का दोष लग जाता है जिसको पितृ दोष कहा जाता है, और कुल देवी देवता का दोष की वजह से आपकी उन्नति नहीं होती है, और कई बार अंतर जाति विवाह करने पर दोनों में से कोई न कोई आत्महत्या कर लेता है, उसकी वजह से भी विवाह टूट जाता है। यानी विवाह टूटना ही टूटना है या वंश वृद्धि समाप्त होना ही होना है, ये दो रिजल्ट अंतर जाति विवाह होने पर लगता है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि लव मैरिज बिल्कुल ना करें। कन्यादान स्वरूप ही प्राप्त की गई लड़की ही वास्तव में धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार रखती है। अर्धांगिनी हमारे यहां पे शब्द यूज किया गया है, तो अर्धांगिनी का मतलब ही यही होता है कि कन्या दान के फल स्वरूप प्राप्त की गई लड़की को ही अर्धांगिनी कहा जाता है, और वही वास्तव में अपने कुल का वंश वृद्धि करने के लिए कुल देवी देवता और पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त करती है। शीघ्र विवाह के लिए और भी टोटके हैं कि शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को, गुरुवार की शाम को किसी भी मंदिर में जाना है और वहां जाकर के घी के 11 दीपक आटे के बना करके लगाना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए मां भगवती से, और प्रार्थना में आपको कोई ना कोई स्तुति अवश्य बोलना चाहिए ताकि आपके जीवन में खुशियों की प्राप्ति हो सके। यदि विवाह नहीं हो पा रहा हो, शादी की रस्म विवाह जो है स्थिर लग्न में करना चाहिए ताकि अच्छा माना जाता है, तो विवाह से संबंधित दुर्गा सप्तशती में भी एक मंत्र आता है, उस मंत्र के भी आप जप तप कर सकते हैं। पत्नी मनोरुमम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस कृत भवाम, इसका भी अनुष्ठान किया जा सकता है। मां कात्यायनी के मंत्र का अनुष्ठान किया जा सकता है, और भी वेद के कुछ मंत्र हैं उनका अनुष्ठान किया जा सकता है। और जिस ग्रह की वजह से विवाह में रुकावटें उत्पन्न हो रही है उस ग्रह की शांति अवश्य की जा सकती है। कुछ कोई दोष है तो उस दोष की शांति अवश्य कराना चाहिए और बारंबार करवाना चाहिए, एक बार की पूजा करने से, क्योंकि अधिकतर मनुष्य हमने देखे हैं कि एक बार की पूजा करके बस सोचते हैं इति श्री हो गई, हमारी ये पूजा करने से ये देवता प्रसन्न हो गया। अरे पिछले जन्म में आप न जाने कितने पाप कर्म करके आए जिसकी वजह से इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति हो रही है, तो आपको बार बार पूजा कराना होती, चाहे मंगल दोष की पूजा हो, चाहे काल सब दोष की पूजा हो, चाहे नाग दोष की पूजा हो, चाहे पितृ दोष की पूजा हो, चाहे क्रेमुद्रम दोष की पूजा हो, तो पूजा को बार बार पूजा को कराने से ही आपके पितृ देवता प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतर पितृ ही विवाह में रोड़े ज्यादा अटकाते हैं। क्योंकि आपके यहां पे घर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, पर मृत्यु होने के बाद में आपने उनका क्रिया कर्म सही तरीके से नहीं किया तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए क्रिया कर्म सही तरीके से करना चाहिए। क्रियाकर्म सही तरीके से नहीं करने पर तकलीफ उत्पन्न होती है। पितृ घर पे ही रह जाता है, प्रेत घर में रह जाता है, केवल शव जलाने चले जाते हैं आप, और फिर बाद में वही आपके व्यवसाय में रोड़े अटकाने का काम करता है, वही बाद में आपके विवाह में अड़चने उत्पन्न करता है। कई बार पिछले जन्म के कर्म के अनुसार षडाष्टक योग हो जाता है, विष कन्या योग हो जाता है, तो वो भी विवाह में रोड़े अटकाने का काम करता है। तो विष कन्या योग में भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष कन्या योग को भी बहुत अशुभ माना जाता है।
ऐसी मान्यता है क्या कि कन्या विधवा हो जाती है या उसे पति ससुराल का सुख कभी नहीं मिलता है, इसलिए विष कन्या योग का अपने उस लड़की के जीवन में जैसे ही वह 12 साल की हो जाए तब प्रति वर्ष उसके हाथों से उसकी पूजा करवाना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देते रहना चाहिए। विष कन्या योग जन्म पत्रिका के अनुसार बनता है, यानी कोई कन्या यदि रविवार के दिन जन्म होती हो और द्वितीय तिथि हो और शतभिषा नक्षत्रों यानी इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो समझ जाओ विष कन्या योग हो जाती है, वह लड़की विधवा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि किसी कन्या का जन्म रविवार को हो, उस दिन द्वितीय तिथि हो, शतभिषा नक्षत्र हो, या मंगलवार के दिन जन्म हो और सप्तमी तिथि हो और अश्लेषा नक्षत्र हो, या फिर शनिवार के दिन जन्म हो उसी दिन द्वादशी तिथि हो और कृतिका नक्षत्र हो, तो इस योग में जन्म लेने पर कन्या को विष दोष लग जाता है। साथ ही इसका एक उचित उपाय भी होता है, ऐसा करने से दोष खत्म हो जाता है, तो वह उपाय अवश्य करें। विष कन्या योग में नाग पंचमी के दिन पूजन अर्चन की जाती है, विशेष तौर से पूजा की जाती है। पूजा का तरीका देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। विवाह के ऊपर देवराधा ट्रस्ट के द्वारा किताब लिखी गई है कि विवाह कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, विवाह दोष को कैसे दूर करते हैं, यदि हम तलाकशुदा स्त्री से विवाह करते हैं तो कैसे करना चाहिए, यदि हम परित्यागता स्त्री से विवाह करते हैं तो कैसे करना चाहिए, यदि हम दुज्वर से विवाह करते हैं तो कैसे करना चाहिए, और पहले यदि किसी की स्त्री आत्महत्या करके मर गई, जल करके मर गई, तो उस स्त्री को कैसे दूर किया जाए, यह भी उस किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो विवाह से संबंधित किताब आप देवराधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं विवाह के रहस्य के बारे में। तो विवाह से संबंधित उसमें बहुत से टोने टोटके भी दिए गए हैं और उन दोषों का निवारण कैसे करें वो भी किताब में लिखा हुआ है, किस दिन करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो वह किताब की कीमत एक कोड नंबर बताने पर आपको सिर्फ 500 रुपए में दी जा सकती है। 28 जनवरी सन 1967 आपको यह लिख करके भेजना है, यह कोड नंबर है। तो ये किताब केवल 500 रुपए में दी जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आदि शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेशनाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय। दुर्ग नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय।